हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साहब, आपकी कॉफी? हाँ, रख दे। अरे गोपाल, वो ड्राई क्लीनर से मेरा सूट लाने वाले थे, क्या हुआ? साहब, ड्राई क्लीनर ने कहा है कि 9 बजे तक तैयार कर देगा। 9 तो बज गए। बस सब, मैं लेने ही जा रहा हूँ। और सुनो जी, जल्दी आना जी। यहां तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये सीढ़ी किसने डाली? साहब, ये सीढ़ी अभी अभी दरवाजे से किसने अंदर डाली है? सीढ़ी तुमने देखा नहीं वहां किसी? नहीं साहब, बाहर तो कोई नहीं दिखा। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूं। जी अभी मेरे ड्राइंग रूम में उसकी रिकॉर्डिंग, ये कैसे हुआ? यहां पर हिडन कैमरा हो सकता है, किसने किया ये सब? फोन कर सकता हूँ क्या? भाई साहब, ये आपको पीसीओ नजर आ रहा है? भाई साहब, यहाँ आसपास कोई पीसीओ नहीं है। यहाँ से सीधा जाइए, सीधा जाके लेफ्ट लीजिए, लेफ्ट जाके थोड़ा आगे राइट लीजिए। भाई साहब, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे लॉन्ड्री वाले के पास भी जाना है कपड़े लेने के लिए, वरना दुकान बंद हो जाएगी। मोबाइल नाम की एक चीज होती है, वो आपने नहीं लिया अब तक? है मेरे पास, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो गई है। कितना सवाल जवाब कर रहे हैं आप, क्या जमाना आ गया? आदमी को आदमी की फिक्र ही नहीं? बहुत जरूरी है भाई साहब, प्लीज करने दीजिए ना। ठीक है, कर लीजिए, लेकिन एक फोन कॉल का 10 रुपए लगेगा। एक फोन के 10 रुपए? फोन करना है तो करो, वरना अपना रास्ता नापो। नहीं नहीं, देता हूँ भाई साहब, देता हूँ। ये लीजिए, ये आखिरी नोट बचा था मेरे पास। चलिए जल्दी कीजिए फोन। इससे तो कह दिया है कि बैटरी खत्म हो गई, अब मोबाइल कैसे निकालूं? और
और अपने मोबाइल से फोन करने का मतलब है अपने लिए एक गड्ढा खोदना। हेलो, हाँ वो काम हुआ कि नहीं? क्या, अरे इतना टाइम नहीं है मेरे पास, थोड़ा थोड़ा जल्दी करो, अभी मैं रखता हूं। ठीक है ठीक है। वॉचमैन, वॉचमैन, अरे भाई इतनी जल्दी ताला मार दिया। अरे यार सो गए क्या? अरे आ रहा हूँ भाई। क्या बात है भाई, ये कोई टाइम है ताला मारने का? देख नहीं रहे हो, अचानक पूरे बिल्डिंग की लाइट चली गई, इसलिए मैंने गेट बंद कर दिया है। अंधेरे में कोई चोर उचक्का आ गया तो? क्या बात है भाई, बड़े समझदार हो, तुम्हें तो पुलिस में होना चाहिए। क्या करूँ साहब, दो बार तो कोशिश की थी मगर क्या करूँ, नसीब में वॉचमैन बनना ही लिखा था। वो ड्रॉर में मोमबत्ती थी, जला लिए होते। ये सारा सामान कैसे बिक रहा है? साहब आप कहाँ हैं साहब, कुछ बोलते क्यों नहीं? साहब भाई, मैम आपने फोन किया था कि आपके बेडरूम का सेटअप बॉक्स खराब हो गया है। हाँ आप एक मिनट वेट करो, मैं लेकर आती हूँ। जी मैम। एक मिनट, क्या हुआ, कौन आया बाहर? वो केबल वाला है, सेटअप बॉक्स काम नहीं कर रहा। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, और ऐसी भी बहुत सी बातें हैं जो मैंने तुम्हें बताई नहीं है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जिस सवाल का जवाब पूछूं उस सवाल का जवाब सीधे सीधे दिया करो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ जाता नहीं है, क्या हो गया तुम्हें? मैंने भी तुम्हें कितनी बार कहा है कि हर एक बात पर सवाल मत किया करो, मुझे पसंद नहीं, लेकिन तुम्हें भी इतनी सी बात समझ नहीं आती। तो और क्या क्या छुपा रखा है तुमने मुझसे? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। गोली लगते ही मौत हो गई होगी इसकी, गोली बिल्कुल दिल के पास मारी है। ये गोली के घाव के अलावा बॉडी में दूसरा कोई घाव या खरोंच तक नहीं है। लेकिन घर के हालत से तो यही लगता है कि इसकी किसी के साथ हाथापाई हुई है, उसके बाद उस खूनी ने इसे गोली मार दी। सर घर के दरवाजे और खिड़कियां बिल्कुल सही सलामत है, जबरदस्ती घुसने की कोई निशान नहीं है। किसी जान पहचान वाले आदमी ने किया ये? जब ये सब हुआ तुम कहां थे? सब मैं तो साहब का सूट लेने के लिए ड्राई क्लीनर के पास गया हुआ था। ये इसकी पर्ची भी है मेरे पास, इसमें डिलीवरी का टाइम भी दिया। जो कोई भी घर में आया होगा उसके लिए दरवाजा तो हर्ष ने ही खोला होगा, या फिर हर्ष के घर की डुप्लीकेट चाबी उसके पास। चाबी किसको दी थी तुमने? नहीं साहब, मैंने किसी को चाबी नहीं दी, मैं क्यों दूंगा चाबी साहब,
बोलो। सुनिए देखिए, पेपर बैंड्स। ये पेपर बैंड्स तो बैंक वाले यूज करते हैं बंडल में, मतलब बहुत सारे कैश पैसे घर में आए हैं। घर में कोई बैंक का पासबुक या चेकबुक है? हाँ सर, चेकबुक है ड्रॉअर में। दो दिन पहले 5 लाख रुपए निकाले इसने अपने अकाउंट से। पर सर घर में तो इतना कैश नहीं मिला। ये गोपाल, इससे पूछते हैं। पी लिया पानी? आ जाओ। पैसे कहाँ हैं? पैसे? कौन कौन से पैसे साहब? अभी पता चल जाएगा, चुपचाप खड़े रहे। हाँ तो भर गया सब। चुपचाप खड़े रहे, सब कुछ नहीं साहब। ठीक है, ये तो डायरी है साहब। दो दिन पहले बैंक से हर्जी ने जो 5 लाख रुपए निकाले थे, कहाँ है वो? मुझे नहीं पता साहब, सच बोल रहा हूँ माँ का सब, मुझे नहीं पता साहब कौन से पैसे। अच्छा, कल कोई और आया था हर्ष से मिलने के लिए? हाँ साहब, वो रिया मैडम आई थी साहब की किताब वापस करने। रिया जी? वो तो अक्सर मिलने आती रहती थी साहब से। साहब अक्सर मिलने आती? कहाँ रहती है रिया की? बीविंग में 402 इसी बिल्डिंग में साहब। लेकिन ऐसा मान लो इनको कौन है आप लोग? CID। आप भैया की माँ हैं? आइए अंदर आइए। क्या बात है सर? यहाँ इसी बिल्डिंग में मिस्टर हर्ष, इनका खून हो गया है और उसी सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी है। ये कौन है? ये मेरे देवर की पत्नी है, रिया की चाची। जरा बुलाइए रिया, कहाँ है वो? आप लोग एक दूसरे को देख क्या रहे हैं? बुलाइए रिया को। वो रिया तो कॉलेज गई है। अच्छा ठीक है, फोन कीजिए उसको, उससे बात करना बहुत जरूरी है। फोन तो बंद है उसका। नंबर दीजिए उसका। नंबर 1100-9800-135। स्विच ऑफ आ रहा है। वो क्लास में तो सर स्विच ऑफ ही रहता है फोन। पूरे इधर चेक करना सर। ये लोग CID से आए हैं, वो हर्ष के खून के केस की जांच पड़ताल कर रहे हैं। रिया से बात करना चाहते थे, पर रिया तो कॉलेज गई है ना? हाँ रिया तो कॉलेज गई है ना। आप कौन है? मैं रिया का पापा, ये मेरा छोटा भाई रिया के चाचू, ये मेरा छोटा बेटा है रिया का छोटा भाई। रिया को तो आप लोगों ने कॉलेज भेज दिया है और उसने अपना फोन भी बंद कर रखा है, लेकिन आप लोग कुछ काम नहीं करते क्या? कहाँ से आ रहे हैं अभी? तुमने पढ़ाई छोड़ दी है, कॉलेज क्यों नहीं गए तुम? सर, ये रिया बीए सेकंड ईयर में पढ़ती है जी। सर ये बैग मिला है और ये कार्ड। बैग तो रिया का ही है।
वो अपना बैग और किताबें घर पे छोड़ के कॉलेज जाती है क्या? देखिए सच सच बताइए, आप लोगों के परेशान चेहरे देख के पता चल रहा है कि रिया गायब है, क्यों? जी पिछली रात से रिया पता नहीं कहाँ गायब हो गई, कुछ पता नहीं है उसका। मतलब हर्ष के खून हो जाने के बाद से आप लोगों को पहले से शक था कि रिया हर्ष की गर्लफ्रेंड है और उसी ने हर्ष का खून किया है, इसलिए आप लोगों ने पुलिस स्टेशन में उसके गायब होने की रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। और सब काम धंधा छोड़कर आप लोग रिया को ढूंढ के आ रहे हैं, लेकिन रिया मिली नहीं। कोई बात नहीं, हम ढूंढ निकालेंगे रिया को। शायद ये रिया कल रात दोबारा गई होगी हर्ष के घर पे, और उसने देख लिए होंगे 5 लाख रुपए हर्ष के यहाँ पे। बस मन में लालच आई, उसका खून किया और फरार हो गई पैसे लेके। यही हुआ होगा क्योंकि किसी और के आने का सुराग तो हमें वहां पे मिला नहीं है। सर इसका मतलब हर्ष के घर में जो तोड़फोड़ हुई थी वो रिया और हर्ष के बीच हाथापाई की वजह से हुई हो। लेकिन इतने सारे पैसे लेके ये रिया कहां जाके छिप गई है? सर रिया का मोबाइल मलाड़ के एक मार्केट के पास दिखा रहा है, उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मलाड़ मार्केट में? ठीक है, अब वहीं से पता चलेगा उसका। के मोबाइल का आखिरी लोकेशन यहां पे ट्रेस हुआ था, जरा आसपास पूछताछ करो। सर कुछ पता चला? नहीं सर, यहाँ तो रिया के बारे में कोई कुछ बता ही नहीं पा रहा। सर इस तरफ भी रिया को किसी ने देखा नहीं, ये कैसे हो सकता है? चलो यहाँ दुकानों में पूछ लेते हैं। सर रिया यहाँ पे करने क्या आई थी? निखिल ये बात तो तय है कि रिया यहाँ पे आई थी, और वो क्यों आई थी, क्या करने आई थी, ये बात जानना बहुत जरूरी है, इसलिए एक आदमी से पूछना होगा। जी सर, क्या चाहिए आपको? हमको कुछ जानकारी चाहिए। क्या? हम लोग CID से, जरा फोटो देखिए। इस औरत को देखा है आपने? जी सर, इसको देखा है। कहाँ देखा? सर कल ही हमारी दुकान पर कुछ सामान लेने आई थी। अच्छा इसके साथ कोई और भी था? जी नहीं सर, ये अकेली थी। क्या ये लड़की पहले भी आपकी दुकान पे आई है कभी? नहीं मैडम, ये कल पहली बार आई थी। अच्छा इस लड़की के बारे में कुछ और याद है आपको, बता सकते हैं? जी सर, जब ये लड़की कल सामान लेकर गई तो मोहल्ले के एक लड़के ने इसका पीछा किया था। इस मोहल्ले के लड़के ने इसका पीछा किया था? हा? जी सर, कल जब वो सुबह मेरे पास आया तो मैंने उस लड़की के बारे में पूछा तो उसने मेरी बात टाल दी। कौन है ये लड़का? सर वो मिहिर था, वो फ्लैशनेट केबल में काम करता है। फ्लैशनेट? सर रिया और हर्ष की बिल्डिंग में भी फ्लैशनेट वालों का ही केबल लगा हुआ है। और रिया का मोबाइल फोन का सिग्नल यहाँ के बाद नहीं मिला हमें, कहीं इस मिहिर ने रिया को। ये मेहर कहाँ रहता है? सर वो पीछे वाली गली में 602 नंबर रूम में। रूम नंबर 602। थैंक यू। जी सर। भाई साहब। हाँ सर। ये मेहर कहाँ रहता है यहाँ पे? लेफ्ट में जाके तीसरा घर। वो लेफ्ट में? थैंक यू। मिहिर, मुझे लगा तुम थे इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया।
तो तुम दोनों ने मिलकर हर्ष को मारा और उसके 5 लाख रुपए लेके भाग गए? कौन है आप लोग? चाहते क्या आप लोग? क्या बोल रहे हैं आप? तुम जैसे लोगों का इलाज CID। क्या कर रहे आप? सर निखिल घर की तलाशी लो। देखिए सर, हमें हर्ष के खून से कोई लेना देना, हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। फिर तुम दोनों यहाँ छुप कर क्यों बैठे हो? मैम वो रिया और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं मैम। जी हाँ, और घर से बहुत दूर जाना चाहते थे। जी मैम। रिया, तुम्हारे घर वालों को लगता है कि तुम हर्ष की गर्लफ्रेंड हो, इसलिए उन्होंने तुम्हारे गायब होने की कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई और तुम यहाँ मिहिर के साथ भागने का प्लान बना रही हो। मैम क्या करें मैम, इसके घर वाले हमारे रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होते मैम। सो उस बैग से ये फ्लैश केबल कंपनी का सेट बॉक्स और ये बहुत सारा कैश। तो अभी तक तुम हमें झूठी कहानी सुना? सर, 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 मैं बोलता हूँ सर। सर सर ये नुपुर मैम के पैसे सर बैग में गलती से रह गए होंगे सर। जब मैं उनके घर गया था सेट ऑफ बॉक्स लेने के लिए, वो रिपेयर करना था सर। सर फिर से एक कहानी, देख सही सी बता दे, इसी में तेरी भलाई है, समझा? नहीं नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, सच रिया की कसम सर। अगर गलती से पैसे तुम्हारे घर पे आए तो तुमने ये पैसे नुपुर जी को वापस लौटाए क्यों नहीं? एक्चुअली सर वो नुपुर मैम और पीयूष सर किसी बात को लेकर लड़ झगड़ रहे थे सर। नुपुर मैम को और तकलीफ में ना डाला जाए इसलिए मैंने सोचा कि जब पीयूष सर घर पे ना हो तब मैं ये पैसे लौटा दूंगा सर। सच कह रहा हूँ सर। अच्छा ये बता, कल रात 8:30 से 9:30 के बीच तुम दोनों कहाँ पर थे? सर वो हम लोग हम फिल्म देखने ही गए थे। जी सर 7:30 का ही शो था। हाँ हाँ सर। फिर से नहीं कहा? मैम नहीं मैम, सच बोल रहे हैं हम लोग। मेरे पास टिकट है सर, टिकट है मेरे पास। ये देखिए सर टिकट। यार हुआ चोरी चोरी, समझ में नहीं आता इस हर्ष को मारा किसने। जब हर्ष को मारा गया तब गोपाल घर पे नहीं था और रिया और मिहिर ये दोनों सिनेमा देखने गए थे। तो मिहिर के घर से जो 5 लाख रुपए मिले उसका कहना है कि वो पैसे उसे नुपुर ने दिए थे और संयोग की बात यह है कि हर्ष के घर से भी 5 लाख रुपए लूटे गए थे। सर मैच हो गए सर, मिहिर के घर से हमें जो पैसे मिले थे और हर्ष ने जो बैंक से पैसे निकाले उनका सीरियल नंबर मैच हो गया सर। विद्या अब तो नुपुर ही बताएगी कि हर्ष के 5 लाख रुपए इस मिहिर के पास क्यों पहुंचे। ये 5 लाख रुपए तो पहचानते होंगे आप। ये आपको कहां से मिले? कौन है, क्या हुआ? हम CID से। CID क्या हुआ सर? चलिए ये 5 लाख रुपए हर्ष के हैं जिनका कल फोन हो गया और ये 5 लाख रुपए आपकी पत्नी के पास आ गए। नुपुर तुमने हर्ष को मार दिया पैसे के लिए? सर ये 5 लाख के लिए मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मैंने से पूछा इसे इतने पैसे क्यों चाहिए, तब से चुप है। इसलिए हर्ष को मार कर 5 लाख रुपए लूट लिया तुमने? मैंने हर्ष को नहीं मारा, मैंने उसके पैसे नहीं चुराए, उसने मुझे खुद दिए थे। 5 लाख रुपए दिए किस लिए? बोलो नुपुर, हर्ष तुम्हें इतने पैसे क्यों दिए? बिना कोई खास वजह कोई किसी को इतने सारे पैसे नहीं देते था। नुपुर जी क्या रिश्ता था आपका हर्ष के साथ? ये रोने धोने से बच नहीं सकती तुम, हमारे सवालों का जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। बताओ क्या था तुम्हारे और हर्ष के बीच? वो मेरा पति था। क्या? दरअसल मैं और हर्ष लोगों को बेवकूफ बनाते थे। हर्ष पैसे वाले लोगों को ढूंढता और मैं पहले उनसे दोस्ती करती और उसके बाद उनसे शादी कर लेती थी, फिर चुपके से पैसे निकालकर हर्ष तक पहुंचाती थी। हर्ष पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है कि पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। मैंने कहा ना किसी को कोई शक नहीं हुआ है। लेकिन
अगर उस आदमी ने हमारी कंप्लेंट कर दी पुलिस में तो? नहीं करेगा, क्योंकि जो भी हमने उसका पैसा लूटा है वो सारा ब्लैक मनी है। क्या बोलेगा वो पुलिस को? यही कि वो जिसे अपनी बीवी मानता है वो पहले से ही किसी और की बीवी है। हर्ष, किसी और को फंसाकर उसके लूटे हुए पैसों से हम कब तक ऐश करेंगे? तो तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मुझसे ये सब नहीं होता। ठीक है, ठीक है, टेंशन मत लो। देखो मैंने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है। जानती हो तुम मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? क्यों? क्योंकि उस लूटे हुए पैसे से मैंने एक बहुत ही अच्छा फ्लैट खरीदा है। क्या? सच? वाह, तो फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे वहीं ले चलते। क्योंकि वो बिल्डिंग बनने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए। और हाँ, वहाँ तुझे मेरे साथ नहीं इसके साथ रहोगे। ये कौन है? हमारा अगला शिकार। क्या? देखो नुपुर मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस बिल्डिंग में मैंने फ्लैट बुक किया है ना, वहाँ सारे लोगों के बारे में मैंने जानकारी हासिल की है। पीयूष हमारा परफेक्ट शिकार है और उसके पास पैसा है और अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई। तुम्हें उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना है, उससे शादी करनी है। जैसे हम करते आए हैं धीरे धीरे सारा उसका पैसा लूट लेंगे। और अच्छी बात यह है कि हम रोज मिल सकते। बस हर्ष, बस करो, मैं और ये सब नहीं कर सकती। अब तक हमारी किस्मत अच्छी थी कि पुलिस के हाथ नहीं आए, और जरूरी नहीं है कि हमारी किस्मत हमारा साथ बार बार दे। हर्ष, अब ये सब काम बंद करते हैं, बहुत थक गए। और तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? फ्लैट लेने में हमारा सारा पैसा खत्म हो गया। देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस, कि पीयूष हमारा आखिरी शिकार होगा, इसके बाद ये सारे काम छोड़ दूंगा। प्लीज एक बार मेरी खातिर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब तुमने मेरे से शादी से पैसे ऐंठने के लिए की थी? कौन से नंबर का धनवंतरी है ये तुम्हारा? तीसरा। मुझे माफ कर दो पीयूष, शुरू शुरू में तो मैंने और हर्ष ने तुम्हारे पैसों पे बहुत ऐश की, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें मुझ पे शक होने लगा। तुम्हारा शक सही था। मतलब हम पति पत्नी कभी थे ही नहीं। हमारी शादी एक धोखा और तुम्हारा सारा प्यार एक झूठ था। तुमने मेरी जिंदगी खत्म कर दी, जिंदगी खत्म कर दी। किस लिए दिए थे हर्ष ने तुम्हें 5 लाख रुपए? मिहिर को देने के लिए। मिहिर? तो तुम दोनों ब्लैकमेल कर रहे थे नुपुर और हर्ष को, है ना? पता कैसे चला तुम दोनों को कि वो पति पत्नी है? मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मैं हमेशा हर्ष से किताबें ले जाती थी और उन्हें पढ़ के वापस कर देती थी। एक दिन मुझे उसकी एक किताब में हर्ष और नूपुर की शादी का फोटो मिला। रिया, हमें इस तरह सबके सामने नहीं मिलना चाहिए। अगर तुम्हारे परिवार वालों को मालूम पड़ गया तो पता है क्या होगा? मिहिर, मुझे किसी और की कोई परवाह नहीं है अब। क्या मतलब? देखो तुम हमेशा परेशान रहते हो ना इस रिश्ते को लेके। क्या करूं मैं यार? मैं चाहती हूं कि हम दोनों शादी कर लें। शादी? मैं भी इतना ही कमाता हूं जिससे कि मैं अपना गुजारा कर सकूं, तुम्हें कहां से खिलाऊंगा मैं? मिहिर, हमारी पैसे की प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है। वो कैसे? एक मिनट, ये देखो। कौन है ये लोग? अरे यार, ये नूपुर है और ये हर्ष। हर्ष की किताब से मिली थी मुझे ये फोटो जब उसने पढ़ने के लिए दी थी। कुछ समझे तुम? ब्लैकमेलिंग? हाँ। इस फोटो से क्या होगा रिया, इसमें मंगलसूत्र दिखाई भी नहीं दे रहा। अगर ये हर्ष के पास ले जाएंगे ना तो फाड़ के मुंह पे फेंक देगा। फिर क्या करना चाहिए मीर? मैं एक आदमी को जानता हूं। मीर, मैं नहीं चाहती हूं कि कोई और इस मामले में शामिल हो। धीरे बोलो रिया,
उस आदमी को हमारे साथ मिलाना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसे तुम्हारे बारे में पता चले। तुम एक काम करना, तुम यहाँ पर पीछे किसी टेबल पर बैठना, ठीक है, ताकि वो तुम्हें देख ना सके। मिहिर जी, हाँ, ये तो कमाल हो गया। मुझे तो लग रहा था कि हर्ष साहब अभी तक कुंवारे हैं, पर नहीं, वो तो शादीशुदा हैं, और वो भी नूपुर मीम साहब के साथ। मतलब तुम्हें पक्का सबूत मिल गया? हाँ, जब मैंने अलमारी की चाबियां चुरा कर उसमें कुछ ढूंढा तो ये मिला। नूपुर मीम साहब और हर्ष साहब की शादी का एल्बम। बढ़िया काम किया तुमने, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना। हाँ बोलो। कि भूल कर भी मेरा नाम हर्ष साहब के सामने कभी मत लाना। बस मुझे तो अपना 10% चाहिए बस। और इसीलिए हर्ष ने तुम दोनों को 5,00,000 रुपये दिए ताकि तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो और किसी को ना बताओ कि नूपुर और हर्ष पति पत्नी है। क्यों? जी सर। और तुम हर्ष से सिर्फ इसलिए मिलने जाती थी ताकि उससे पैसे ले सको, और तुम्हारे परिवार वाले समझते थे कि तुम और हर्ष एक दूसरे से प्यार करते हो। जी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस गोपाल को उठाओ। एक सीडी की कॉपी करवानी है। सीडी लाए हो? हाँ लाया हूं। लाइए। इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ? तुम्हारे इन सीडीज की कॉपीज हम बना देंगे और जितनी चाहिए उतनी बना देंगे, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हर फ्लैट के ड्राइंग रूम में छुपाकर सीसीटीवी कैमरा लगाया है। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ? शर्म नहीं आती? ऐसा घटिया काम करते हो तो? तुमने सोचा होगा तुम्हारी इन हरकतों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? क्यों? हाँ? नहीं नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं फिर अनपढ़ गवार आदमी साहब, मैं क्या जानू कि ये सब कैसे होता है। तो फिर ये सीडी तुम्हारे पास कैसे आई? साहब, वो तो किसी ने दरवाजे से अंदर डाली थी। मेरा विश्वास करो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये काम तुमने नहीं किया? नहीं किया साहब। सच बोल रहे हो? सच्ची बोल रहा हूँ साहब। देखो, तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। उसे कैमरा लगाने का मुश्किल काम ये तो नहीं कर सकता। और फिर जब हर्ष का खून हुआ तब तो ये लॉन्ड्री में गया था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब हर एक फ्लैट में वो कैमरा लगा रहे थे, किसी ने कुछ तो देखा होगा बिल्डिंग में। सर, उस बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स के ड्राइंग रूम में एक ही तरह के शीशे लगे हुए हैं। मुझे लगता है वो कैमरास उन मिरर्स के पीछे ही है। तो भी देर किस बात की, तोड़ दो सारे मिरर्स, उखाड़ लो कैमरा। सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। इस बिल्डिंग में किसी को पता नहीं है कि उनके घर में इस मिरर के पीछे कैमरा है। सारे फ्लैट्स में से एक कैमरा निकाल डालो। गॉड,
मुझे नहीं पता था हमारे घर में कैमरा है। हेलो। हाँ, अरे भाई सीआईडी ने सारे छिपे हुए कैमरे निकाल दिए हैं। अरे मुझे कौन गिरफ्तार कर सकता है? मैंने साफ साफ कह दिया कि मिहिर और रिया झूठ बोल रहे हैं। हाँ। अरे भाई उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत था ही नहीं, तो मुझे तो उन्हें छोड़ना ही था। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि मैं जानता हूं कि हर्ष साहब का खून किसने किया। बस अब हम उसे फंसाएंगे, अब उस आदमी को फंसाएंगे और पैसे अटेंगे, पैसे, समझ गए? बस एक काम कर, तू जल्दी आ जा, आराम से बैठकर सोचते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है? आ जा। तुझे क्या लगा? सारे कैमरे निकाल दिए गए हैं? मैंने कुछ फ्लैट्स में दो दो कैमरे लगाए थे और इस फ्लैट में भी दो कैमरे लगे हुए हैं। देखिए मेरी बात सुनिए। चुप। तूने जो अपने दोस्त से बताया फोन पर, वो सब मैंने सुन लिया है। तो तू जानता है कि हर्ष का खून मैंने किया है ना? तूने मुझे फ्लैट से बाहर निकलते हुए देखा था। तूने मुझे देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुझे मरना होगा, क्योंकि अगर तू जिंदा रहा तो किसी और को भी बताएगा। नहीं, मुझे मत मारिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे छोड़ दीजिए। तुझे छोड़ने की गलती मैं कर ही नहीं सकता। गलती तो तुमने कर दी यहाँ आके, ये हमारी चाल थी तुम्हें बिल से बाहर निकालने की। गोपाल फोन पे अपने दोस्त से नहीं, खुद से बात कर रहा था। खेल खत्म हो गया तुम्हारा, हाथ ऊपर करो। सर गोली मत चलाना। लिफ्ट तो काफी नीचे है, लिफ्ट से नहीं गया है, नीचे देखो। इसी फ्लोर में कहां गया? यही कहीं होगा। दीवार खोखली है। क्या बात है? तो यहां से सारी बिल्डिंग पे नजर रखे हुए था।
मैंने कुछ नहीं किया सर। ये मेरा छोटा भाई रिया के चाचा। ओ, रिया के चाचू। सर, मैं तो सर ये नहीं आया था। टीवी देख सकते हो, मगर किसी और के घर में ताक-झांक करके उसे टीवी पर देखना बुरी बात है चाचा जी। हमें पता चल गया था कि तुमने हर्ष के घर में एक और कैमरा लगाया, इसलिए हमने ये चाल बिछाया तुम्हारे लिए। अब बता, हर्ष को क्यों मारा तुमने? ये सच है कि कल रात में हर्ष के घर पर गया था उससे बात करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि हर्ष और नुपुर दोनों पति पत्नी। हम तो यही जानते थे कि हर्ष और रिया दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अरे चाचा जी, ऐसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। रिया और मैं एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। अब आप समझने की थोड़ा चुप। बहुत मकार, तू औरतों का अपनी चाल में फांसता है, पर तूने ही नुपुर को भी शिकार बनाया अपना, है ना? मैंने उसे आते हुए देखा था यहाँ पर, पैसे भी दिए तूने उसे। क्या मतलब तुम्हारा? पैसे देते हुए देखा? कहाँ था तू? वो मैं वहाँ। ओ माय गॉड, वो सीडी भी तुमने बनाकर भेजा था ना? हाँ, तुमने मुझे सीसीटीवी के जरिए देखा, और शायद बिल्डिंग के और लोगों को भी तुम सीसीटीवी के जरिए देखते हो। हाँ, ओ माय गॉड, अब तुम्हें जेल भिजवा कर लूंगा। पुलिस को फोन लगा दो पुलिस को फोन। रुक कभी, ये आसानी से मैं जेल जाने वाला नहीं। इससे पहले कि मेरी इज्जत का कचरा करे, मैं तेरी आवाज में शक्लें बंद कर देता हूं। हर्ष की जान ले ली तुमने, लोगों के घरों में चोरी से सीसीटीवी कैमराज लगा दिए और उनकी निजी जिंदगी में झांकने की कोशिश की, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।